Hello everyone, welcome to the biology classes. Today I am going to explain the last type of the chemical reaction, that is redox reaction. In the previous lecture we were discussed that redox is a combination of two words, red plus ox, where red means reduction and ox means oxidation. तो हम क्या कह सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं? द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. Called redox reaction. Simple terms की अगर हम बात करें, एक ऐसी reaction जिसके अंदर हमारा oxidation और reduction क्या हो रहे हैं, दोनों हो रहे हैं, वो हमारी क्या कहलाएगी? redox reaction. अब oxidation क्या है, reduction क्या है, अब हमें वो जानना पड़ेगा सबसे पहले. तो पहले अगर हम बात करें oxidation, this type of reaction plays an important role इन द केमिस्ट्री रिडोक्स रिएक्शन. तो रिडोक्स रिएक्शन में दो तरह की रिएक्शन होगी, एक हमारा ऑक्सीडेशन होता है, दूसरा हमारा क्या होगा? रिडक्शन. तो ऑक्सीडेशन को अगर हम याद रखें, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन in a reaction called oxidation. तो oxidation का मतलब क्या है? अगर किसी भी reaction के अंदर oxygen का addition हो रहा है या hydrogen का removal हो रहा है, तो वो part हमारा क्या कहलाएगा? reaction का oxidation. अभी हम इसको किससे discuss करेंगे, एक example की हेल्प से discuss करेंगे. इसी का ही एक दूसरी तरह से भी हम याद रखते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड ऑक्सीडेशन. और इसके लिए एक कोड याद रख लेते हैं, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इसी के अंदर, ऑयल रिग. ऑयल का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन इन लॉस, कि अगर कहीं भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं, तो वहां पे हमारा क्या होगा? हमेशा ऑक्सीडेशन. इसको नोट डाल के लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी हम सब डिस्कस करेंगे क्या क्या है हमारा इसके बाद. तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब भी क्या है? ऑक्सीडेशन. ठीक है, इसके बाद हम बात करें किसकी? रिडक्शन की. यह एग्जांपल से समझ सकते हो इसे, जैसे कहीं पे हमने लिखा सी प्लस ओ टू गिव्स सी ओ टू, इसमें हो क्या रहा है? सी में क्या ऐड हो रही है? ऑक्सीजन ऐड हो रही है. तो सी से क्या बना हमारा? सी ओ टू. अरे कुछ ना कुछ ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गई तो सी ओ टू बन रहा है. तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन. अभी हम एग्जाम्पल में रिडक्शन हो रही है साथ साथ देखेंगे क्या है. अब नेक्स्ट हमारा क्या है? रिडक्शन. रिडक्शन हमारा क्या है? रिडक्शन इज जस्ट अपोजिट टू द ऑक्सीडेशन. ये ऑक्सीडेशन का क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है. तो द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की जगह अब क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन. एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इट मीन्स ऑक्सीजन की जगह पे हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन. तो हम कैसे लिखेंगे इसको? द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इन अ रिएक्शन कॉल्ड रिडक्शन. अब इसकी भी अगर हम बात करें, इसके भी दूसरी तरह से कैसे डिफाइन कर सकते हैं?
इसमें क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कोल्ड ऑक्सीडेशन, कोल्ड क्या था इसका, ऑयल। इसी तरह से इसमें क्या होगा, अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, कोई भी रिएक्टेंट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड रिडक्शन। अब एक एग्जांपल से हम सब कुछ क्लेरिफाई करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा एक बार ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट और देख लेते हैं क्या है हमारे। इसका कोड भी लिखना चाहो तो लिख लो, इसका कोड क्या होता है, रिग। क्या होता है इसका कोड, रिग। इट मीन्स रिडक्शन इन गेन, कि जहां भी इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा वहां क्या होगा, रिडक्शन। ये भी नोट डाल के लिख सकते हो आप लोग। अब हम बात करते हैं किसकी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को इसमें। तो हम क्या कह सकते हैं, द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन, एक ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, दे रहा है, एंड रिमूव हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, कोल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे आप सबको पता होगा LIC के एजेंट बोलते हैं हम, LIC के एजेंट कौन होते हैं, जो LIC की पॉलिसी हमें क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। इसी तरह से हम क्या कह सकते हैं, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन इन अ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन दे रहा है या हाइड्रोजन ले रहा है, वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड रिड्यूसिंग एजेंट इज जस्ट अपोजिट टू द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट पेपर में बहुत पूछता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, और ये बल्कि हमारे काम आते हैं किसमें, हायर क्लासेज में भी बहुत ज़्यादा, और बहुत सारे बच्चों को इनमें क्या रहता है, कन्फ्यूजन। तो अगर हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट, ये हमारा क्या है, इसका जस्ट अपोजिट, द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन और रिमूव ऑक्सीजन इन अ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। अरे सिंपल सी एक बात याद रखनी है, ऑक्सीडेशन याद रखना है तुम्हें सबको। अगर ऑक्सीडेशन समझ आ गया, रिडक्शन जस्ट अपोजिट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद रखना है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जस्ट अपोजिट। ठीक है, अभी इनको पहचानना है हमें, रिएक्शन में कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, कौन सा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे हमारा। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक ही एग्जांपल से क्लेरिफाई हो जाएगा, बस क्या है, ध्यान से समझना है एक बार क्या है। कॉपर ऑक्साइड एग्जांपल ले लिया, इसमें सारे आ जाएंगे हमारे, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस वाटर, और कब, जब हम इसको हीट करते हैं। अब अगर हम बात करें, ध्यान से देखना है बिल्कुल, हमारे पास क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से क्या बन रहा है, कॉपर, तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अभी हमने क्या पढ़ा था, क्या होता है हमारा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमारा क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा,
रिडक्शन। अब यहाँ रिडक्शन है, एस टू में क्या ऐड हो रहा है, जो एस टू ओ बन रहा है हमारा ऑक्सीजन, तो एस टू से एस टू ओ बन गया, इट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन द हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इट मीन्स दिस रिएक्शन इज रिडोक्स। अभी हमने पढ़ा भी था कि द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो रहा था, साथ साथ हो रहा था, देख सकते हो आप। फिर हमने क्या पढ़ा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। इसके लिए सिंपल सी ट्रिक क्या है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी हमने क्या पढ़ा था याद करो, ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन दे, कौन दे रहा है ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड ही तो दे रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, पेपर में बहुत पूछता है इसके बारे में। H2S प्लस Cl2 गिव्स S प्लस 2HCl या HCl, इसको बैलेंस ही करते हैं पहले। हाइड्रोजन कितना है, दो, हाइड्रोजन कितना है, एक, तो दो बना दिया। क्लोरीन कितने हैं, दो, क्लोरीन कितने हैं, दो, सल्फर कितना है, एक, तो ये हमारी बैलेंस होगी। अब इसमें हमें फिर से क्या बताना है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। अब एक बात बताओ, H2S से हमारा क्या बन रहा है, एस, इट मीन्स यहाँ हो क्या रहा है हमारा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कोल्ड, वो हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ये तो हम इसका मतलब क्या है, यहाँ क्या हो रहा है हमारा, ऑक्सीडेशन। सी एल टू से क्या बन रहा है, एच सी एल, इट मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है, अरे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमारा किसके अंदर होता है, उल्टा होता है ना, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, एडिशन ऑफ, अरे Cl2 से HCl बन गया, तो हाइड्रोजन ऐड हुई है तभी तो बना है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, रिडक्शन। इस रिएक्शन में भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इट मीन्स दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिडोक्स रिएक्शन। ये भी हमारी क्या कहलाएगी, रिडोक्स रिएक्शन कहलाएगी। सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन दे कौन रहा है, H2S, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। लेगून रहा है हमारा क्लोरीन, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Now let us start oxidation in everyday life. Everyday life में हमारे oxidation कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है, थोड़ा सा उसकी बात करेंगे। ये क्यों हमारे लिए harmful होता है, इसके effect क्या क्या है, अगर हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि oxidation in everyday life, आप सब डेली एवरीडे लाइफ में क्या करते हो, इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हो। जैसे अगर हम बात करें, फर्स्ट अगर हम बात करें क्या है हमारा, कोरोजन, सबने पढ़ा भी होगा कोरोजन क्या होता है हमारा, और एक दूसरा हमारा क्या है, रेंसिडिटी। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, कोरोजन की। तो द ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एसिड मॉइस्चर ह्यूमिडिटी कॉल्ड
तो मेटल्स का क्या होना, एक तरह से डिप्लीट होना, मेटल का क्या होना, कोरोड होना, डिप्लीट होना, घटना, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कोरोजन। तो हम क्या कह सकते हैं, द हीटन अप ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एसिड, एयर, मॉइस्चर एक्सेट्रा, कोल्ड कोरोजन, वो हमारा क्या कहलाएगा, कोरोजन। जैसे सबने डेली लाइफ में एक एग्जांपल देखा होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर जंग लग जाना, दिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। और आयरन के ऑक्सीडेशन को हम क्या बोलते हैं, रस्ट। अगर वो किसी और मेटल पे लग रहा है आयरन के अलावा, तो हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, है तो आयरन पे भी कोरोजन ही, पर उसको हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं, क्या दे देते हैं, रस्ट। एग्जांपल की अगर हम बात करें, हमारे पास आयरन है, एयर में रखा तो ऑक्सीजन मिलेगी, और X2O हमारे मॉइस्चर भी प्रेजेंस है, तो यहाँ से हमारा क्या बनता है, Fe2O3.XH2O, दिस इज कॉल्ड आयरन रस्ट। ये क्या कहलाता है हमारा, आयरन रस्ट। तो ऑक्सीजन और वाटर मॉइस्चर के कारण क्या हो रहा है, कोरोजन हो रहा है, और उस कोरोजन को हम क्या नाम देते हैं, आयरन रस्ट। अब हम बात करते हैं, जैसे तुमने देखा होगा जो हमारी सिल्वर की ज्वेलरी है वो भी क्या होती है, ब्लैक हो जाती है, कॉपर भी हमारा क्या है, अपना कलर चेंज कर देता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो मतलब हो क्या रहा है वहाँ पे, हमारा ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन हो रहा है, और उस ऑक्सीडेशन को हम क्या बोलते हैं मेटल्स के केस में, कोरोजन। मेथड, अब हम बात करेंगे किसकी, मेथड फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अब सबको पता है क्या करना है, अगर हमारे पास आयरन आर्टिकल्स हैं तो हम उनके ऊपर क्या करते हैं भाई, ब्लैंक पेंट, जो हमारा आयरन का गेट होता है या हमारे क्या होता है विंडोज़ होती है, उन सब पे हम क्या अप्लाई करते हैं, पेंट अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है हमारी, बाय अप्लाइंग पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। पेपर में पूछा जाता है बहुत। दूसरे अगर हम एग्जांपल की बात करें, दूसरा मेथड क्या है प्रिवेंशन के लिए, बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल ऑन मेटल आर्टिकल। अब मेटल आर्टिकल के का मतलब यहाँ किससे है, आयरन आर्टिकल, नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल की अगर हम बात करें, क्या है नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, बाय गैल्वेनाइजेशन, ये भी पेपर में बहुत आता है, अब गैल्वेनाइजेशन क्या है हमारा, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ जिंक लेयर ओवर द आयरन आर्टिकल टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग, जिंक की कोटिंग करना किसके ऊपर, आयरन के ऊपर, तो ये हमारी कौन सी प्रोसेस कहलाती है, गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारा क्या है बताओ, और कोई भी है, टिन प्लेटिंग, टिन प्लेटिंग एंड क्रोम प्लेटिंग, और ये टिन और क्रोम प्लेटिंग जनरली होता क्या है, जैसे हमारी टैप होती है, टैप वाटर टैप, कुछ तो हमारी स्टील में आती है, कुछ हमारी क्या होती है, टिन प्लेटिंग वाली टैप्स हमारे पास आती है। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज रैंसिडिटी। अब
अब रेंसिडिटी हमारा क्या है, हम क्या कह सकते हैं? आप सबने चिप्स खाए होंगे, अगर चिप्स के पैकेट को हम खुला करके रख देते हैं, खोल के रख देते हैं, तो चिप्स के अंदर एक स्मेल हो जाती है, दैट इज़ ड्यू टू रेंसिडिटी। वो हमारा क्या कहलाता है? रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी हमारा क्या है? द अनप्लीजेंट स्मेल इन द ऑयली फूड ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कॉल्ड रेंसिडिटी। वो हमारा क्या कहलाता है? रेंसिडिटी। अब अगर हम बात करें, पेपर में पूछता है मेथड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ फूड फ्रॉम रेंसिडिटी, अब रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए हमारे मेथड क्या क्या होंगे? तो सबसे पहले अगर हम बात करें, एक मेथड सबने देखा होगा, चिप्स के पैकेट और जितने भी हमारे फूड आर्टिकल्स आते हैं पैकेट्स के अंदर, उनके अंदर क्या होती है? गैस होती है। दैट गैस इज नाइट्रोजन और एनी अदर लेस रिएक्टिव गैस विच प्रिवेंट द फूड फ्रॉम द ऑक्सीजन। जो फूड को क्या कर रही है? ऑक्सीजन से बचा रही है। ऑक्सीजन से बचाने का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन से बचा रही है। और जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो फूड के अंदर स्मेल नहीं होगी, ऑयली फूड के अंदर। तो फर्स्ट क्या है? हम क्या कह सकते हैं? नाइट्रोजन और एनी अदर गैस और एनी अदर लेस रिएक्टिव गैस कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम रेंसिडिटी इन चिप्स एक्सेट्रा। इन चिप्स पैकेट्स, कुरकुरे एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों में हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन गैस को या किसी अदर लेस रिएक्टिव गैस को क्या कर देते हैं? फिल कर देते हैं। सेकंड क्या है हमारा? बाय कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर। अब रेफ्रिजरेटर क्या करता है? सबको पता है रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर क्या होता है? लो होता है। तो ये जो हमारी अगर हम बात करें, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को क्या कर देता है? स्लो कर देता है। तो जब हम फूड को किसके अंदर रख देते हैं? रेफ्रिजरेटर के, तो हमारा फूड क्या होता है? रेंसिडिटी से बच जाता है। नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है? बाय कीपिंग द फूड अवे फ्रॉम सनलाइट। बहुत सारी मेडिसिंस को भी हम क्या करते हैं? सनलाइट से प्रिवेंट करने के लिए लिखा रहता है उनके ऊपर कि टू कीप अवे फ्रॉम द सनलाइट, कि सनलाइट से दूर रखना, क्योंकि हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी पीछे, याद करो, फोटो डिकम्पोजिशन। उसमें हमारा क्या हो रहा था? एक कंपाउंड स्प्लिट हो रहा था टू और मोर में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये बहुत पूछता है, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है? द सब्सटेंस विच आर एड इन द फूड टू प्रिवेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन। ऐसे सब्सटेंस जो हम फूड के अंदर डालते हैं जिससे ऑक्सीडेशन रुक जाता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। इट मीन्स इट प्रिवेंट द फूड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन। ये हमारे जनरली दो तरह के होते हैं, BHA और BST। BHA हमारा क्या होता है? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। और ये हमारा क्या है? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन।
और नेक्स्ट हम ये भी कह सकते हैं बाय एडिंग प्रिजर्वेटिव। और भी हमारे बहुत सारे मेथड हैं। सो थैंक यू, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर।